ये भगवान शिव का एक मुखी का स्थान है। इनका एक दिन में तीन रूप अपने आप चेंज होता है। अच्छा। नहीं कोई बनावट है, नहीं कोई श्रृंगार है। आप तीनों समय इस प्रतिमा का दर्शन करेंगे, अलग अलग रूप में प्रतिमा दर्शन देती है। प्रातः काल बाल अवस्था है, आप प्रातः काल इस प्रतिमा का दर्शन करते हैं तो बाल रूप आपको गेट से ऐसा लगेगा कि अर्घे के ऊपर कोई बच्चा बैठा हुआ है, हंसते हुए मुखारविंद। मध्यान्ह काल रोष अवस्था है, मध्यान्ह काल 12 बजे के बाद यही प्रतिमा आपको रोष अवस्था में दर्शन देगी, आपको ऐसा लगेगा कोई क्रोध रूप में बैठा हुआ है। और सायंकाल 5 बजे के बाद दयालु रूप का दर्शन है। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलर अड्डा में। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे मंदिर लेके जाएंगे जो बहुत ही चमत्कारी है, यानी कि आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये मंदिर ऐसा है जहाँ शिवलिंग 3 बार अपना रूप बदलता है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य में। असल में नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है, और यहीं पर स्थित है भगवान शिव का भूतेश्वर नाथ का मंदिर। बाबा भूतेश्वर नाथ को नैमिषारण्य का कोतवाल भी कहा जाता है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। आपका जितना भी संपूर्ण ज्योतिर्लिंग का दर्शन है, सभी अर्घे के ऊपर एक लिंगाकार प्रतिमा है गोल, वहाँ पर्व पे श्रृंगार से मुख बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोई बनावट कोई श्रृंगार नहीं है। ऐसा दर्शन सिद्ध होती है नेपाल में पशुपतिनाथ जी का, उधर में 4 मुख है, ये भगवान का एक मुख है, जैसे रुद्राक्ष का माला होता है। आपने भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जिसमें उनका निरंकार जो है, मतलब कोई आकार नहीं होता, वो शिवलिंग पूजा जाता है। पर इस मंदिर में आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन होंगे, यानी कि उनका स्वरूप के दर्शन होंगे। जब ऋषि लोग तपस्या करने लगे तो उनको राक्षस लोग तपस्या में विघ्न डालने लगे, तो वो फिर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपने हमको तपोस्थली जगह तो बता दिया है, लेकिन जहाँ पे हम तपस्या कर रहे हैं वहाँ राक्षस लोग विघ्न डाल रहे हैं जो हमारे तप को खंडित कर रहे हैं, कृपया आप हमको कोई ऐसा संरक्षक दीजिए। तो इनकी स्थापना गुरु गरुण भगवान ने की है। अच्छा। हाँ, इसीलिए ये कोतवाल के रूप में है, जैसे जिले का DM मालिक होता है वैसे ऋषियों के कोतवाल, ये नैमिषारण्य तीर्थ का कोतवाल रूप से यहाँ पे विराजमान है भूतेश्वरनाथ। शिव और महाविष्णु पीछे विराजमान है। आप ऑल इंडिया कहीं भी जाएंगे शिव मंदिर में आपको विष्णु का स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय और शिव संप्रदाय अलग अलग है। यहाँ परम वैष्णव संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान है। इनकी 2 पत्नी है, दाहिने श्रीदेवी है, बाएं भूदेवी है, नीचे में 3 द्वारपाल है, जय विजय, और बीच में गरुण जी महाराज, पूरा सह परिवार जी संपूर्ण परिवार सहित विराजमान है।